और पूरे अरुणाचल का इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत आगे तक लेके जा पाएगा, टूरिज्म में बहुत हद तक हम लोग आगे जा पाएगा। आज दूसरा जो प्रोजेक्ट जो डेडिकेट हो रहा है वो है हमारा कामिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक 600 मेगावाट। आप लोगों का इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बताना चाहेगा कि 8 साल पहले अरुणाचल प्रदेश का पावर जनरेशन केवल 400 मेगावाट था, अभी आज इस 600 मेगावाट होने के बाद इसका बीच में और भी हम लोग ने जनरेशन किया, कुल मिला के अराउंड 1200 मेगावाट का जनरेशन कैपेसिटी अरुणाचल में आ जाएंगे। हमारा जो पोटेंशियल है वो हाइड्रो सेक्टर में काफ़ी पोटेंशियल है, और जैसे मैंने कहा कि 600 मेगावाट और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और बहुत ही जल्दी हमारा जो लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट नेक्स्ट ईयर बनके तैयार हो जाएगा, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। और उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने PIB में ऑलरेडी क्लियरेंस हम लोगों को मिल गया है, 2880 मेगावाट वो हमारा दिबांग में ईस्टर्न अरुणाचल में बनेंगे। तो अपने आप में प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड बनाएंगे और अपने आप फिर प्रधानमंत्री जी उसी रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री जी ही तोड़ेंगे। तो इन्हीं इनिशिएटिव के कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें अरुणाचल प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिक्लेरेशन पिछले साल COP26 में ग्लास्को में जो दिया था 5 अमृत, उसी दिशा पर हमारा यहाँ पे जो बजट प्रिपरेशन भी है, हम लोग उसी दिशा पे हम लोग आगे बढ़ रहा है। कनेक्टिविटी क्षेत्र में रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से अरुणाचल प्रदेश में 2500 किलोमीटर का हाईवे नया प्रोजेक्ट कुल मिला के 44,000 करोड़ का अप्रूवल हो चुका है। तो आने वाला दिनों में हमारा अरुणाचल के पूरे जो कनेक्टिविटी का जो इश्यू है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे आप हमेशा हम लोगों को गाइडेंस दे के आया है कि अभी भारत सरकार का प्रोजेक्ट हो या राज्य सरकार का प्रोजेक्ट हो, हम लोग सेचुरेशन मोड में अभी हम लोग जा रहे हैं। हमारा चीफ सेक्रेटरी से लेके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, ग्राउंड विजिट करके हर एक स्कीम को हम लोग सेचुरेशन मोड में लेके जा रहा है। समय कम है, आज पूरे अरुणाचल प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए बेचैन है। तो इतना कहते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अरुणाचल प्रदेश ने जो भी मांगे आपके सामने में रखा, आपने दिल खोल के अरुणाचल का आपने पूरा सहयोग किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब देवी सज्जनों, हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहेंगे, कृपया भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया उड़ान ब्रोशर का लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उड़ान यानी उड़े देश का आम आदमी। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत वर्ष 2016 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हवाई सेवा के माध्यम से छोटे और मध्यम शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना। उड़ान ब्रोशर का लोकार्पण करते हुए, उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक, सब उड़े सब जुड़े, उड़ान आशाओं की, जिसने दिया हर आम नागरिक को सुगम्य, सुविधाजनक और किफायती हवाई यात्रा का अनुभव। जब हमारे अफसरों के साथ मेरी मीटिंग हुई तो मैंने कहा, भाई देखिए, मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठते हैं। ये जो एक बना हुआ है, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस सपने को और हर भारतीय के आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है उड़ान। उड़ान योजना से सितंबर 2022 तक 433 हवाई मार्गों के जरिए आज आम नागरिक किफायती और सस्ते दरों पर हवाई यात्रा कर रहा है। साथ ही 70 अन्य शहरों में भी नियमित हवाई सेवा शुरू हो चुकी है।
उड़ान योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में 2 लाख से अधिक उड़ानें भरी गईं और 1 करोड़ से अधिक यात्री लाभान्वित हुए। उड़ान योजना सा लाभ मिला है, कमी पैसा कमी हो रहा है, हमारा भरपूर मिला है। आज बहुत खुशी लगो जी, आशाओं को मिली उड़ान। मैं खेती चासी वाला किसान हूँ, मैं आज हवाई जहाज में मेरे को मौका मिला मोदी सरकार जी के लिए। बहुत बेनिफिट मिला है, समृद्धि का आसमान। हम लोग का लाइफ बहुत इजियर हो गया है, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। मैं मोदी जी को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। उड़ान भर रहा है अपने यात्रियों के जीवन में रंग, दे रहा है उनके जीवन शैली को एक नया आयाम। यात्रियों के कुछ ऐसे ही व्यक्तिगत और सुखद अनुभवों को इस कॉफी टेबल बुक में सहेजा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, किसी भी कार्य का आरंभ अगर हम अपने इष्ट देव को याद करके प्रारंभ करते हैं तो उसका सफल होना तय है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब होलोंगी क्षेत्र के निशी जनजाति के पुजारी मंत्रोच्चार कर इस माहौल को पवित्र करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज का यह ऐतिहासिक कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो। मंत्रोच्चार होलोंगी स्थित निशी जनजाति के पुजारियों के द्वारा। पारंपरिक परिधान पहने हुए ये सभी पुजारी मगी ना चाय मत बगी है तू दाना मुगुरी पर चंग मत चंग मत लोंग जा दक्षा करना है दक्षा कुरिया लोंग Hello.